हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद भूमि। और कैसे हैं आप सब? आज मैंने बनाई है कटहल की सब्ज़ी रसेदार, ये देखिए फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम कटहल लेंगे, उसको धो करके काट लिया है मैंने। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कुकर में मैंने कटहल को बॉयल होने के लिए रख दिया है। ये लगभग मेरा आधा किलो कटहल है और इसमें मैंने एक गिलास के लगभग पानी लिया है। हम इसमें एक से दो सीटी लगाएंगे हाई फ्लेम पर। जब तक हमारा कटहल हो रहा है तब तक मैं आपको मसाला बता रही हूँ। ये जावित्री है, ये काली मिर्च है साबुत, ये लाल मिर्च है, ये बीच में बड़ी इलायची है, ये दालचीनी का एक टुकड़ा है, ये तेज़पत्ता है, ये छोटी इलायची है, ये थोड़ा सा जायफल है और ये लौंग है। इतने खड़े मसाले हमें इसमें डालने होंगे। और ये है फ्रेंड्स, दो बड़े प्याज को मैंने चॉप कर लिया है और ये लहसुन है जिसको हम इसमें ऐसे ही साबुत डालेंगे। और ये हैं कुछ मसाले, उनमें हल्दी, मिर्चा और धनिया। उसके बाद इसका जो सीक्रेट मसाला है वो है मीट मसाला। आप ये अगर एक चम्मच इसमें डालते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। ये कहने को मीट मसाला है पर इसमें मीट और नॉनवेज का कोई भी इशू नहीं होता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। ये हमारे कुकर में सीटी आ चुकी है और कटहल हमारा बॉयल हो चुका है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला फ्रेंड्स, नमक एक्सेट्रा कुछ नहीं पड़ा है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें सरसों का तेल लेंगे, क्योंकि ये सारी सब्ज़ियाँ सरसों के तेल में अच्छी बनती हैं। ये हमारा तेल हो गया है और हम इसमें कटहल को फ्राई कर लेंगे। फ्राई के लिए मैंने फ्लेम को हाई ही रखा है और इसे बराबर चलाते रहना है। इसको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है फ्रेंड्स, बस इतना है कि ये गोल्डन हो जाए। ये देखिए हमारा कटहल फ्राई हो चुका है। अब हम एक कुकर लेंगे और उसे गरम करेंगे। जब कुकर गरम हो जाएगा तो हम उसमें सरसों का तेल ले लेंगे। मैंने दो बड़े चम्मच लिए, आप अपने अनुसार घटा बढ़ा भी सकते हैं। अब मैंने इसमें जितने भी खड़े मसाले थे हमारे, तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, मिर्च, जायफल, सब डाल दिया है और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको बताना भूल गई, मैंने इसमें एक छोटा सा अदरक का पीस लिया है और उसको काट लिया है। मैंने काटा है, आप चाहे तो उसको ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपनी प्याज, कटी हुई प्याज और साबुत लहसुन जो मैंने ली थी उसको भी भूनने के लिए डाल दिया है। यहाँ पे मैंने ये अदरक को पतला पतला बारीक काट कर डाल दिया है। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन भून लेंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। और जब आप प्याज को भून रहे हो तो उसमें थोड़ा सा नमक मिला दीजिए, इससे आपका प्याज जो है वो जल्दी गल जाएगा।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्याज लहसुन और मसाले भून चुके हैं। अब हम इसमें अपने जो सूखे मसाले हैं वो डालेंगे। 1 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और उसके बाद 1 स्पून मीट मसाला। बस अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और एज़ यूज़ुअल जैसे और सब्ज़ियों में भुना जाता है वैसे ही इसको भी भून लेना है। और भूनने के बाद इसमें हम स्वाद अनुसार नमक मिला देंगे, क्योंकि नमक हमने पहले भी मिलाया है, इसलिए ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा कम ही डालिएगा। अब हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये मसाला पूरी तरह से भुन नहीं जाता, मतलब अपना तेल नहीं छोड़ देता। ये देखिए फ्रेंड्स, ये किसी भी तरह का एडिटिंग इसमें नहीं की गई है, जैसा है आपके सामने है। बस अब हम अपने जो कटहल हमने फ्राई किए थे उसको इसमें मिक्स कर देंगे और अपनी इच्छा अनुसार पानी डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 1 से 2 कप के लगभग पानी डाला है। अब हम इसमें कुकर को बंद करके 1 से 2 सीटी लगाएंगे हाई फ्लेम पर, और उसके बाद 1 सीटी के बाद गैस को लो कर देंगे। और हमारा कटहल बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। ये हमारा लगा लिपटा कटहल की सब्जी बन गई है। आजकल कटहल आ रहा है तो मैंने सोचा कि चलिए आपको जो चीज़ मार्केट में नहीं आ रही है उसी की सब्ज़ी बनाकर दिखाया जाए। ये देखिए, चलिए अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से बना है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिए, ताकि मैं इसी तरह की रेसिपी लाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।